क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है. लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्रीज और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल टू रूट टू. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच इमर्जेंट रे ग्रेजेस द सरफेस इज गिवन बाय, ठीक है. ये चार ऑप्शंस में से चुनना है अपने को, ठीक है, सिंपल है. तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि हमारे पास प्रिज्म था, तो प्रिज्म जो था है ना, हमको फाइनली जो है फाइनल जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे जो निकलेगी है ना इस राइट वाला फेस से, जो इमर्जेंट रे निकलेगी उसको कैसा निकलना है, ग्रेजिंग होना चाहिए. मतलब ऐसा वो जो इमर्जेंट रे जाएगी वो एकदम ऐसे छूते हुए जाएगी, ठीक है, है ना. मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो कितना हो गया हमारे पास, 90 डिग्रीज हो गया, ठीक है. एयर का ये म्यू वन ले लेते हैं, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शायद मेरे पास रूट टू दिया है, है ना, है ना. तो अब ये है हमारा कॉमन नॉर्मल, दिख रहा है क्या. अब ये जो हमारा कॉमन नॉर्मल है, ठीक है, मान लेते हैं यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम आर डैश लिख लेते हैं, ठीक है. तो रूट टू साइन आर डैश इज इक्वल टू वन साइन 90, ठीक है, चलेगा. इस बार हमने पीछे से शुरू किया हुआ है ना, आसान पड़ेगा. तो हमको आर डैश की वैल्यू मिल जाएगी. आर डैश की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से देखो सब वैल्यू वैल्यू डाल के देखना, आर डैश की वैल्यू तुमको मिलेगी 45 डिग्री, ठीक है, कोई परेशानी. ये इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, बोलो. अच्छा, अब हम चलेंगे पहले वाले रिफ्रैक्शन की तरफ, पहले वाले फेस की तरफ, ठीक है. तो पहले वाले फेस पे, पहले वाले फेस का डायग्राम बनाते हैं फिर से, है ना. ये हमारा पहले वाला फेस है. हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना था ना, शायद क्वेश्चन में क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना. तो ये लेट्स से ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ठीक है. और यहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आता है वो आर है, और ये है हमारा आर डैश, और यहां से फिर फाइनली हमारी रे ऐसे निकल के जाती है, ठीक है, इमर्जेंट रे ग्रेज करते हुए जाती है इसको, इस वाली सरफेस को. तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम आते हैं. और तुमको पता है ये इक्विलैटरल प्रिज्म है क्या, बोलो, इक्विलैटरल प्रिज्म है कि नहीं है ये बताओ. उसका जो प्रिज्म का एंगल, जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो 60 डिग्रीज है, है ना, है क्या सर. क्वेश्चन फिर से देखो ना, क्वेश्चन फिर से दिखाएं, एक मिनट. तो हम लोग अब वापस आ जाते हैं किस पे, हमारे पहले वाले रिफ्रैक्शन पे. तुमको पता है कि यहाँ पे तुमने प्रिज्म में पढ़ा है आर प्लस आर डैश कितना होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है क्या, पढ़ा है ना, बोलो. ये आर है, ये आर डैश है, तो आर प्लस आर डैश ए के बराबर होता है, और आर डैश है हमारे पास 45, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 15 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, 60 डिग्री है ना. तो अब हमको लगा देना है स्नेल्स लॉ पहले वाले रिफ्रैक्शन पे. तो ये आई मान लेते हैं, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ इस पॉइंट पे जहां पे पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है, 1 into sin i इज इक्वल टू म्यू टू, म्यू कितना है, म्यू इंटू साइन आर, म्यू की वैल्यू रूट टू और साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 15 डिग्रीज, है ना, बराबर है. और साइन 15 डिग्री की वैल्यू पुट कर देना, तो यहां से तुमको आ जाएगा साइन आई इज इक्वल टू रूट टू साइन 15 डिग्री, है ना. तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी
साइन इनवर्स रूट टू साइन 15 डिग्री है ना, तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए सारे, ये है आंसर तुम्हारा। अब साइन 15 की वैल्यू डाल देना है ना, तुमको आ जाएगा आंसर, सिंपल है।